ये अरमान याद रखना, तो मैं अपने साथी तू, तेरी औलाद और तेरे तमाम दौलत तेरे बाप की गुलाम है। तो मैं तू, तेरी औलाद और तेरी तमाम दौलत तेरे बाप की गुलाम है, और तेरे बाप को हक हासिल है जैसे चाहे वो तेरी दौलत से खर्च कर सकता। मेरे साथ ना इंसाफी करे, एक बेटे को तरजीह है मुझे तरजीह ना दे, एक बेटे को ज्यादा प्यार दे मुझे कम प्यार दे। ये वैसे गलत फहमी होती है कि माँ बाप एक को ज्यादा प्यार देते हैं दूसरे को प्यार नहीं देते। माँ बाप की नजरों में सब बराबर होते हैं। बड़े खुश नसीब हो नौजवान हो जिनके माँ बाप जिंदा है या दोनों में से एक जिंदा है। अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूं कि आपके पास दुनिया की हर दौलत है, अगर आपके पास माँ बाप से कोई दोनों ही है रिश्ता है, जितना भी हो सके इनकी खिदमत करो। बाप के पांव दबाओ, बाप के टांगे दबाओ, बाप के साथ की मालिश करो, बाप के कंधे दबाओ, बाप के बाजू दबाओ, बाप को त्याग दिया करो। जिसका बाप जिंदा है कुछ भी नहीं है तो कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे बाप को त्याग दिया करो। वो अपनी जो बीती हुई किताब है ना, उस किताब के अंदर जो तजर्बात है ना, वो तजर्बात बड़े इखलास के साथ तुम्हारे सामने रखेगा। इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल पाक से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ता यौम क़यामत सब अहले ईमान के लोगों को पेश करते हैं कबूल फरमाएगा। बिलख़ुसूस जमी अंबिया व मुरसलीन अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजदा वालिदैन करीम तय्यिबान ताहिरैन, आपके अज़वाज मुतहररात, आपके जमी अहले बैत इकराम सबके रूहों को पेश करते हैं कबूल फरमाएगा। ऐ अल्लाह, इस महफिल का सवाब और जितने मुसलमानों को इस साले सवाब करके हमने नेकी की है, इस नेकी का सवाब
बिलखसूस भाई मोहम्मद यासर इनकी वालदा मरहुमा की रूह को पेश करते हैं कब्र पर लेकर। ऐ अल्लाह मरहुमा माँ की ज़िंदगी के तमाम छोटी मोटी गलतियों से दरगुजर फरमा के नेकियां कबूल करके उनकी कब्र को बहादुर का मुशाहदा फरमा कर जन्नत की बागीचों में से बागीचा और बाकी तमाम उम्मत मुसलमान को और हम जो जिंदा हैं या क़यामत तक आने वाले उम्मत मुसलमान हैं तमाम के तमाम अफराद को फितने दज्जाल से महफूज महफूज करेगा। ऐ अल्लाह मरहुमा माँ की कब्र की मदद असर फरमाने के बाद कल बरोज़ क़यामत उनको नामा इबादत का हाथ में अता फरमाना, अपने महबूब की शफा अता फरमाना। यही सब दुआएँ इस घर के साथ खानदान के साथ अल्लाह उठने वाले जितने भी अफराद जो ईमान के हक में चले गए हैं सबके हक में पेश करते हैं कबूल फरमाएगा। यही सब दुआएँ हम जितने हाजरीन हैं यहाँ जो दुआ मांग रहे हैं हमारे खानदानों के जितने अफराद ईमान के हक में दुनिया से चले गए हैं सबके हक में ये सारी दुआएँ पेश करते हैं कबूल फरमाएगा। हम सब में से जिनके वालदे दुनिया से चले गए हैं उनकी बख्शिश फरमाएगा और जिनके वालदे जिंदा हैं उन इज्जत वाली ईमान वाली और ईमान की सलामती वाली और खातों पर ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए शरीयत इस्लामिया पर अमल करके सदक़े जारिया भरने की तौफीक अता फरमाए इनको इस अजीम सदक़े पर सबर और सफर पर अजर अजीम अता फरमाए। ऐ अल्लाह हम जितने यहाँ हाजिर हैं हम में से जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमाइए पूरी उम्मत मुसलमान के अफराद जो बीमार हैं शिफाए कामिल अता फरमाइए जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाइए। ऐ अल्लाह कर्ज़दारों को कर्जों से निजात अता फरमाइए जो मुश्किलात के अंदर फंसे हुए हैं उनकी मुश्किलें दूर फरमा के आसानी पैदा फरमाइए। दुआ करें ऐ अल्लाह इस वक्त मजबूरी तौर पर उम्मत मुसलमान बड़ी परेशान है यहूद नसारा की साजिशों की वजह से हिंदुओं के जुल्म की वजह से। ऐ अल्लाह कश्मीर के मुसलमान और बाकी जिस जिस इलाके के अंदर कोई भी गैर मुस्लिम मुसलमानों का जुल्म कर रहा है तुझे महबूब की मोहब्बत का वास्ता उन मुसलमानों को जल्द से जल्द निजात और आज़ादी और छुटकारा अता फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुसलमान को सर बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुसलमान की गलतियाँ माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह उम्मत मुसलमान की पहले जैसी इज्जत अता फरमा। ऐ अल्लाह ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया तेरे हुक्म और तेरे महबूब के फिजाज से हासिल हुआ है इसको इस्लाम का मजबूत तरीन करा फरमा। और अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमा हम सबको कि हम अपना किरदार इसके अंदर इस्लाम को नाफिज करने में अदा कर सकें। अल्लाहुम्मा फिर लना वाले वालदैना वाले उस्तादीना वाले मशायखना वाले जदीदुल मुमिनीना वाल मुमिनात वाल मुस्लिमीना वाल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अमवात सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक सच न्यूज़ चैनल जिन्होंने इस हक सच यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो दोस्त इस वीडियो के देखने के बाद अभी इस हक सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी और आल के ऑप्शन को टच कर दें ताकि इस पर चलने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचनी शुरू हो जाए। इस चैनल पर कोई भी खबर इश्तहार और वीडियो चलवाने के लिए आप दिए गए नंबर पर रब्ता करें।